सब्सक्राइब करें न्यू कृति बुटीक चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे अंगरखा स्टाइल की कुर्ती का बहुत सुंदर सा डिजाइन बनाने का एक आसान सा तरीका। दोस्तों, पहली वीडियो में दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको अंगरखा स्टाइल कुर्ती की कटिंग बताई है और ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें मैं आपको एक बहुत सुंदर सा डिजाइन तैयार करके बताऊंगा। यहाँ पे दोस्तों डिजाइनिंग के लिए मैंने एक पाइपिंग निकाली हुई है, इस तरीके से डोरी वाली पाइपिंग होगी, बिल्कुल बारीक पाइपिंग हमने तैयार की हुई है इस प्रकार से। और पोटली बटन के साथ हम डिजाइन तैयार करेंगे, ये मैंने पोटली बटन बनाए हुए है, बहुत सुंदर से गोलाई वाले यहाँ पे पोटली बटन है हमारे पास जो कि हम डिजाइनिंग में यूज करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा डिजाइनिंग से पहले हमें इसकी कटिंग समझनी होती है। कटिंग की वीडियो हमने पहले डाली हुई जैसे मैं बता रहा हूं, और यहाँ पे इस तरीके से हमारा अंगरखा स्टाइल में कुर्ती है। यहाँ पे पार्ट अलग अलग होते हैं फ्रंट के, एक ये होगा हमारा और एक ये हो गया, तो ये पॉइंट हमारा सेंटर में यहाँ पे ज्वाइंट होगा नीचे की साइड ऐसे, और ये हमारा आएगा ऊपर की साइड इस प्रकार से। इस तरीके से यहाँ पे अगर हम इसको रखेंगे तो यहाँ पे ऐसे होगा, यहां से ये कटिंग होते हुए गला तैयार आएगा। एक नीचे की साइड अलग गला बनता है और ऊपर की साइड यहाँ वाला अलग गला बनता है। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे पेपर पेस्टिंग लेनी है। पेपर पेस्टिंग का हम एक भाग काट लेते हैं गले के अकॉर्डिंग, यहाँ पे इस प्रकार से रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे, और जहां तक हमारा यहाँ पे निशान आता है इस प्रकार से हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं ऐसे। तो ये एक साइड की हमारी पेपर पेस्टिंग ये वाली हो जाती है। अब हमें नीचे की साइड यहाँ पे भी वी बनाना है, राउंड वी वाला जैसे हम गला बना रहे हैं, तो यहाँ के लिए भी हम अलग से इस तरीके से पेपर पेस्टिंग कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी नीचे के लिए हो गई है और ये हमारी ऊपर के लिए हो गई है। इन दोनों पेपर फ्यूज को हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से हमने दोनों पेपर पेस्टिंग कपड़ों के ऊपर इस तरीके से पेस्ट कर लिया है। जो छोटे वाला पीस होगा हमारा यहाँ पे बनेगा और जो बड़ा होगा यहाँ पे गला बनेगा। तो यहाँ पे गला बनाने के लिए सबसे पहले हमें तैयार फिक्स जो होते हैं निशान लगाने होते हैं गले के, सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे हमारा सेंटर पॉइंट यहाँ पे है इस प्रकार, ये हमारा सेंटर पॉइंट होगा। यहां से हमें ब्रॉड लेंथ लेनी है, ब्रॉड रखेंगे हम 3.5 इंच इस प्रकार से, और यहां पे डीप रखेंगे 8 इंच। तो यहां से हमारा इस प्रकार का निशान आना चाहिए इस तरीके का, और यही निशान हम आगे तक ऐसे लेके जाएंगे इस प्रकार से। अब हम दूसरी साइड निशान लगाने हैं सेम इसी साइज के, तो यहां पर हम जितना हमें फोल्ड एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग किया हुआ है हमने इस प्रकार से ये वाला, इसमें हम प्रेस से अच्छे से सेट कर लेते हैं। ये कटिंग की वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन कैसे कटिंग किया हुआ है। अब इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रखते हैं ऐसे, इस पॉइंट पे मिलाते हुए, और यहाँ पे हम दूसरी साइड भी अच्छे से निशान उठा लेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे भी हमारे सेम इसी साइज के निशान यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं ऐसे। डीप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा इतना ही आएगा, 8 इंच ही, 8.25 इंच जो कि 8 इंच तैयार आएगा। इस साइड से भी इतना ही आना चाहिए, 8.25 इंच जो कि 8 इंच तैयार आएगा। स्टाइल हमारा यहाँ पे जैसे जैसे बनता जाएगा आपको समझ आ जाएगी। अब हम छोटा पीस हमारा इसके लिए है, बड़ा पीस हमारा इस भाग के लिए है। अब हम इसको बनाने का तरीका सीखते हैं। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हम एक साइड का वी गला तैयार करते हैं। तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे पाइपिंग ली हुई है, इस पाइपिंग को इस निशान के ऊपर इस प्रकार से रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे पाइपिंग के साथ साथ इस प्रकार से।
और ये वाली पाइपिंग होनी चाहिए हमारे पास, ये जो कि हमने तैयार करके रखी है। प्रकार यहाँ पे हमने पाइपिंग अटैच कर ली है। अब हम ऊपर की साइड पेपर पेस्टिंग वाला इस तरीके से पीस रखेंगे यहाँ पे और इस प्रकार से पलट लेंगे। पलटते हुए इस तरीके से अब हम जो हमने पाइपिंग वाली सिलाई लगाई है सेम उसी के ऊपर फिर से सिलाई लगाएंगे। से हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हम कटिंग कर देंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए ऐसे, और यहाँ पे जहां पे गोलाई आती है इस प्रकार से हल्के हल्के कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे इस प्रकार से। जब हम अंदर की साइड ये पलटेंगे कपड़ा तो सीधी साइड हमारी यहाँ पे ये पाइपिंग इस प्रकार से आपको नजर आएगी ऐसे। यहाँ पे हम सिलाई लगा लें पाइपिंग के बराबर में इस प्रकार से। इस प्रकार हमारी यहाँ पे एक साइड की पाइपिंग तैयार आ जाती है। अब हमें दूसरी साइड की पाइपिंग निकालनी है। दूसरी साइड की पाइपिंग के लिए भी हम यहाँ पे सेम इसी तरीके से जैसे हमने पहली पाइपिंग निकाली है निशान के ऊपर रखते हैं पाइपिंग को और यहाँ पे डोरी का धागा जो होता है पाइपिंग में उसके साथ साथ सिलाई लगाते हैं ऐसे। भी हमने पाइपिंग अटैच कर ली है। अब हम ऐसे ही जो हमारा दूसरा पीस है पेपर पेस्टिंग वाला उसको यहाँ पे इस तरीके से रखते हैं ऐसे और पलटते हुए यहाँ पे सिलाई लगाते हैं। सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है हमें यहाँ पे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे भी हम कटिंग करेंगे। और इस तरीके से कट लगाएंगे गोलाई में। और इसको भी हम पलटते हुए ऊपर से यहाँ पे सिलाई लगा लें या प्रेस से अच्छे से सेट कर लें। इस प्रकार दोस्तों हमने ऊपर से यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर ली है तो दोनों साइड के गले हमारे इस प्रकार से आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे एंकर का काम करना है तो ये हमने एंकर के धागे लिए हैं तो इनको हम यहाँ पे जो हमारे पास ये नीचे वाला फिरकी का धागा होता है इसमें हम इसको भर लेते हैं इस प्रकार से लपेटते हुए इसको अच्छे से भर लेंगे। आप चाहे हाथ से या मशीन से इसको इस प्रकार से लपेट लें। इस प्रकार दोस्तों हमने धागा लपेट लिया है। अब हम डब्बी में यहाँ पे इसको डाल लेते हैं इस तरीके से और यहाँ पे ऐसे बिल्कुल स्मूथली चलना चाहिए ये। अगर टाइट है तो आप लूज कर लें और लूज लगता है तो टाइट कर लें।
नीचे की साइड दोस्तों डब्बे में हमने धागा डाल लिया है। अब हम जो हमने यहाँ पे पाइपिंग निकाल ली थी, पाइपिंग के साथ साथ एंकर का काम करना है हमें, तो इसको उल्टी साइड जो रोंग साइड होती है ऊपर की साइड रखते हैं। और जो पाइपिंग वाली हमने यहाँ पे सिलाई लगाई थी, ये सिलाई आपको इस साइड भी नजर आएगी, इसी सिलाई के ऊपर सबसे पहले हम यहाँ पे सिलाई लगाते हैं। बीच में हम चेक करेंगे कि सिलाई हमारी कैसी लग रही है, तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पे ये सिलाई लगा रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे एक सिलाई ये कंप्लीट की है, जो कि आपको देखने में बड़ी ही बारीकी से सफाई के साथ नजर आएगी। अब हम एक पैर का मार्जिन रखेंगे और यहाँ पे दूसरी सिलाई लगाएंगे। फिर से देखेंगे तो सिलाई हमारी यहाँ पे दूसरी सिलाई लग चुकी है। अब दोस्तों इसी प्रकार से हमने बारी बारी से एक एक पैर का मार्जिन रखना है और यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है। चेक करते रहना है बीच बीच में, कहीं पे सिलाई में कोई कमी ना आए। इस प्रकार हमने यहाँ पे तकरीबन चार सिलाई लगा ली है। एक सिलाई यहाँ पे हम और लगाएंगे, या चार भी रखनी हो आपने, चार सिलाई भी यहाँ पे अच्छी लग रही है। इस साइड में दोस्तों हमने यहाँ पे पांच सिलाई कंप्लीट कर ली हैं एंकर के धागे की। अब जो दूसरी साइड होती है हमारी, यहाँ पे भी हम पांच सिलाई इसी प्रकार से कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से हमने दोनों साइड में एंकर का काम कंप्लीट कर लिया है बड़ी ही फिनिशिंग के साथ में। अब हमें यहाँ पे पाइपिंग लगानी है, तो इस साइड पाइपिंग हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे इस तरीके से, और मार्जिन जितना हमने आधा इंच का रखना होता है नॉर्मल, उतना यहाँ पे मार्जिन रखेंगे और इस तरीके से पाइपिंग अटैच करेंगे। हमने यहाँ पे पाइपिंग अटैच कर ली है, जो कि जब हम फोल्ड करेंगे इसको अंदर की साइड तो इस तरीके से आएगी ऐसे। अब हमें दोस्तों यहाँ पे अटैच करना है दोनों पीसों को। अटैच करने के लिए जो हमारा ये सेंटर वाला निशान होता है, ये हम इस पॉइंट पे रखते हैं जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे लिया हुआ है, ऐसे इस पॉइंट पे आना चाहिए हमारा। तो इसको हम कैसे ज्वाइंट करेंगे ताकि हमें अच्छे से पता लग जाए कि ये हमारा किस पॉइंट पे आता है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले निशान चौक से निशान लगाएंगे, इस प्रकार से रखेंगे पलटते हुए इसको। आर्मोल यहां से मिला लेंगे, दोनों फर्क नहीं आना चाहिए कहीं पे भी, तो यहां से हमें सेंटर पॉइंट का पता लग जाएगा
इस प्रकार का यहाँ पे हमारा ये सेंटर होगा और यहाँ से हमारा ये सेंटर होगा। इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे सेंटर पॉइंट को ऐसे, इस प्रकार से मिलाएंगे और यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगाएंगे बिल्कुल सेंटर में। अब हम इस सिलाई को इस साइड में रखेंगे इतना मार्जिन जितना कि हमने यहाँ पे फोल्ड किया हुआ था ऐसे, और इस निशान के ऊपर इस निशान को मिलाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा जब आप काम करोगे यहाँ पे कैसे हमने सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमें कच्ची सिलाई लगानी है। इस प्रकार दोस्तों हमने सेंटर की सिलाई से दोनों पीस अटैच कर लिए हैं। जब हमारा पूरा पीस तैयार हो जाता है तो इस सिलाई को हम खोल देते हैं। ये यहाँ पे इस तरीके से आएगी नीचे की साइड इतना गैप, और ऊपर बिल्कुल सेंटर आएगा इस प्रकार से। अब हमें यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से जैसे ये ओपन है इसको बंद करना है यहाँ पे जहां पे अपने आप ये सेट बैठता हो। जो पाइपिंग है ये हम अंदर की साइड यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऐसे। इस प्रकार दोस्तों हमने यहां तक सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हमें यहाँ पे पोटली बटन लगाने हैं। तो ये हमारे पास जैसे मैंने आपको बताए थे पोटली बटन बना के रखे हुए हैं, इनको हम इस तरीके से यहाँ पे नीचे की साइड रखते हैं ऐसे इस प्रकार से, और यहाँ पे अटैच करते हैं। यहाँ पे हमने तीन पोटली बटन लगाए हैं। अब तकरीबन हम 3 इंच का गैप रखते हैं इस प्रकार से, और यहां से भी हम पोटली बटन की शुरुआत करेंगे ऐसे ही। तीन बटन यहां पे भी रख लेते हैं। टोटल हमें 9 बटन लगाने हैं दोस्तों। अब फिर से हम बराबर गैप रखेंगे और एक निशान और लगाते हुए यहां पे भी पोटली बटन कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने यहां पे बराबर गैप रखते हुए 9 बटन कंप्लीट कर लिए हैं, 3 ऊपर की साइड, 3 यहां पे और 3 नीचे की साइड यहां पे। अब हम सीधी सिलाई लगा देते हैं पाइपिंग के साथ साथ, जिससे कि हमारी ये दोनों पीस ज्वाइंट हो जाते हैं। दोस्तों हमने पाइपिंग निकालते हुए पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगा ली है, और इस प्रकार से हमारा यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा डिजाइन तैयार हो जाता है। मैं इस डिजाइन को कटिंग टेबल पे आपको पूरा बिछा के दिखाऊंगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बारीकी से दिखाऊंगा। पूरा फ्रंट हमने यहाँ पे ओपन करके बिछा दिया है कटिंग टेबल पे। एंकर की सिलाई लगाई है सबसे पहले, यह देखो आप यहाँ पे कितनी खूबसूरत लग रही है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे एंकर वाली सिलाई लगाई है।
ये पाइपिंग लगाई है, पूरा अंगरख का स्टाइल होगा। और फिर पोटली बटन आएंगे यहाँ पे, ये नो पोटली बटन है, बराबर गैप रखते हुए यहाँ पे हमने पोटली बटन लगाए हैं और नीचे तक हमारी यहाँ पे पाइपिंग जाएगी। बहुत सुंदर सा यहाँ पे दोस्तों हमने सभी कॉम्बिनेशन करते हुए, जैसे एंकर का होगा, पाइपिंग का होगा, पोटली बटन का होगा, सभी कॉम्बिनेशन करते हुए ये सुंदर सा डिजाइन तैयार किया है। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।